पीआरवी 321 को चेतन उपाध्याय के द्वारा ट्रेन छूटने की दी गई सूचना पर पीआरवी ने 2 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर कॉलर चेतन को रेलवे स्टेशन पहुंचाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान दोपहर 1:01 पर कॉलर चेतन उपाध्याय निवासी आरोग्य मंदिर मेडिकल रोड गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे तुरंत 1:40 पर बनारस के लिए ट्रेन पकड़नी है, लेकिन साप्ताहिक बंदी के चलते 4 किलोमीटर की दूरी तय करना मुश्किल है तथा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जाने के लिए साधन चाहिए, जिसकी सूचना पर पीआरवी 321 ने मात्र 2 मिनट में मौके पर पहुंचकर देखा कि लॉकडाउन होने के कारण कोई वाहन न मिलने व समय कम होने के कारण पीआरवी कर्मियों ने तत्काल पीआरवी से ही कॉलर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुँचाया, जिससे कॉलर को समय से ट्रेन मिल सकी और कॉलर बहुत खुश होकर पीआरवी कर्मियों व यूपी 112 की प्रशंसा की और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। वहीं एसपी सिटी ने पीआरवी को आभार ज्ञापित किया तथा कहा कि उम्मीद है कि पीआरवी आगे भी ऐसा कार्य करती रहेगी। इस कार्य में पीआरवी 321 के हेड कमांडर कांस्टेबल सुरेंद्र प्रसाद, सब कमांडर कांस्टेबल यशपाल यादव, चालक होमगार्ड राकेश प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अच्छा पीआरवी के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है, इस प्रोजेक्ट को ले आकर स्टेशन पहुंचाएगा समय पर, इससे इसके ट्रेन छूटने वाली पुलिस को नहीं मिलेगा। देखिए आज दोपहर 1:01 के आसपास ये पीआरवी 321 इन्होंने एक व्यक्ति जो कि आरोग्य मंदिर शाहपुर से लेकर के रेलवे स्टेशन पहुंचाया इनको 2 मिनट के अंदर, ताकि उसकी ट्रेन ना छूटे, वो बनारस उसकी ट्रेन जा रही थी। पीआरवी में जो कमांडर थे कांस्टेबल सुरेंद्र प्रसाद, सब कमांडर कांस्टेबल यशपाल यादव और चालक होमगार्ड राकेश प्रसाद थे, इन्होंने सराहनीय कार्य किया गया और भविष्य में भी उम्मीद की जाती है कि पीआरवी जैसे ही लोगों की मदद करती रहेगी।